हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रोशे से बना हुआ एक कॉर्ड नेकलेस। सो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशे स्टिचेस एंड चेन स्टिचेस यूज़ किए हैं, एंड मैंने यहाँ पे ये रिंग फॉर्म की है। एंड यहाँ इन रिंग्स को आपस में कनेक्ट करते हुए मैंने ये कॉर्ड बनाई है। मैंने टोटल 32 रिंग्स बनाई हैं इस साइज़ का नेकलेस बनाने के लिए। आप कम या ज़्यादा अपने चॉइस के हिसाब से ये रिंग्स बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 थ्रेड्स को यूज़ किया है। 1 कॉटन थ्रेड है एंड एक सिल्क थ्रेड है, जिससे इसमें ये डबल कलर का शेड आया है। इन द एंड एक बटन यूज़ की है, जिससे ये आप इसको क्लोज करके पहन सकते हैं। सो इसे बनाने के लिए आप अपनी चॉइस का कोई भी कॉटन थ्रेड ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इस ब्रांड का ये कॉटन थ्रेड ले रही हूँ, प्लस मैं एक सिल्क थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। सो इन दोनों को कंबाइन करके मैं ये रिंग्स बनाऊंगी। एंड मैं यहाँ पे 3.0 mm साइज़ का क्रोशे हुक यूज़ कर रही हूँ। एंड आपको एक बटन लगेगा लाइक इसको यहाँ पे फिट करने के लिए। सो देखते हैं इस कॉर्ड नेकलेस को हम कैसे बनाते हैं। स्लिप नॉट बनाने के लिए आप थ्रेड को अपने फिंगर्स में यू रोल करिए एंड फिंगर टर्न करके क्रॉस बनाइए। क्रोशे हुक को हम यू लेंगे, नीचे से लेंगे थ्रेड के। क्रोशे हुक को हम थ्रेड के नीचे से लेंगे एंड इसको यू पुल करेंगे आप। एंड ये जो आपका वर्किंग थ्रेड है, इसे आप पुल कर लीजिए। सो ये आपके क्रोशे हुक में एक स्लिप नॉट बन गई। नाउ रिंग फॉर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे 10 चेन स्टिचेस बनाए हैं। सो आप सबसे पहले 10 चेन स्टिचेस बनाएंगे। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो ये 10 चेन स्टिचेस बन गई। क्रोशे हुक को वेरी फर्स्ट चेन स्टिच में लेके जाना है एंड ये जो थ्रेड है, इससे ग्रैप करना है अपने क्रोशे हुक में एंड इन दोनों लूप्स में से बाहर निकाल के एक स्लिप स्टिच बना लेनी है। सो स्लिप स्टिच बना के हमने एक ये रिंग फॉर्म कर ली। अब इस रिंग के अंदर हम काम करेंगे, 20 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे एंड ये जो आपके लूज एंड है थ्रेड का, इसको हम आप ऐसे पकड़ के रखिए एंड जब आप स्टिचेस बनाएंगे सो ये कवर हो जाएगा। सिंगल क्रोशे स्टिच बनाने के लिए आपको अपने क्रोशे हुक को इस रिंग के अंदर लेके जाना है, थ्रेड को ग्रैब करना है हुक में एंड इस रिंग के अंदर से यू निकाल के बाहर निकाल के लाना है, को ग्रैब करना है एंड इन दोनों स्टिचेस में से, दोनों लूप्स में से बाहर निकाल लेना है। सो ये आपकी सिंगल क्रोशे स्टिच हो गई। सो 1, 2, 3, 4 एंड ये मैंने देखी टेल को यू पकड़ी हुई है एंड मैं इसके साथ ही रिंग के साथ इसको कवर करते जा रही हूँ। फाइव
6, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवेंटीन, एटीन, नाइनटीन एंड ट्वेंटी। सो आप ये मैंने इस साइज की रिंग बनाई है। अगर आपको ये रिंग छोटी या बड़ी बनानी है सो आप नंबर ऑफ चेन्स कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाने। वेरी फर्स्ट सिंगल क्रोशे स्टिच था, इस पे मैं अपने क्रोशे को सेट करूँगी। यहाँ से आप इसको रैप करके लाइए थ्रेड को एंड इस लूप में से बाहर निकालेंगे तो ये आपका रिंग ज्वाइंट हो जाएगा। नाउ इस आप थोड़ा एक्स्ट्रा इतना थ्रेड एक्स्ट्रा छोड़ के हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। सो आपने एक इसको पुल कर लिया एंड आप थोड़ा एक्स्ट्रा थ्रेड छोड़ के आप इसको कट कर लेंगे एंड ये जो थ्रेड है इसको इस लूप में से बाहर निकालेंगे एंड इसे टाइट कर लेंगे। सो ये आपकी फर्स्ट रिंग रेडी हो गई। सेकेंड रिंग बनाने के लिए हम सबसे पहले अगेन हम 10 चेन स्टिचेस बनाएंगे सेम एज प्रीवियस। सो 10 चेन स्टिचेस। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। हमारी 10 चेन स्टिचेस बनने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपकी फर्स्ट रिंग आपने बनाई है ये फ्रंट साइड है, दिस इज दी बैक। सो एंड इसे फ्रंट टू बैक इस प्रकार से रिंग के अंदर डालना है दिस। ओके एंड नाउ आपको जो वेरी फर्स्ट चेन स्टिच थी इस चेन स्टिच में आपको अगेन एक स्लिप स्टिच बना के इसको क्लोज कर देना है इस रिंग को। सो जो वेरी फर्स्ट चेन स्टिच थी इसमें हम अपने क्रोशेस हुक को देंगे। आप इस थ्रेड को भी पकड़िए इस लूज एंड को हम यू होल्ड करेंगे। सो ये आपके इसमें दो लूप आ जाएंगे एंड आप इसको पुल करके दोनों से लूप्स में से निकाल के एक स्लिप स्टिच बना के अगेन हम इसको ज्वाइन कर देंगे। सो ये रिंग, सो आपने क्या किया, इस रिंग के अंदर एक रिंग को कनेक्ट कर लिया। इस रिंग में ये जो आपने रिंग बनाई है इस रिंग के अंदर अगेन 20 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाने होंगे। सो इस ग्लूज एंड को आप यू होल्ड करिए एंड इस रिंग में हम 20 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे। सो अगेन आपको
इस रिंग के अंदर से क्रोशे हुक को लेके जाना है, बाहर निकालना है एंड इन दोनों लूप्स में से इसे बाहर निकाल लेना है। सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी। सो जैसे आप देख सकते हैं मैंने उस रिंग के अंदर ये 20 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाए। नाउ हमें अगेन सेम वे में आपको जो वेरी फर्स्ट आपका सिंगल क्रोशे स्टिच है उसके टॉप में इसे स्लिप स्टिच के थ्रू ज्वाइन कर देना है एंड एंड जो वर्किंग थ्रेड है इसे आप इस लूप से बाहर निकाल के आप थोड़ा एक्स्ट्रा थ्रेड के साथ इसे हम काट लेंगे एंड इसे आप हल्की पुल कर लेंगे। ये आपकी फर्स्ट रिंग थी, दिस इज़ योर सेकेंड रिंग। अभी आपको क्या करना है, ये जो लूज एंड थ्रेड है इसको आपको निडल में लेना है। सो आप थ्रेड को आप निडल में ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट रिंग थी इसको आप स्ट्रेट करिए एंड ये जो हमने सेकेंड रिंग बनाई थी ये इसका फ्रंट साइड है एंड जहाँ पे आपको ऐसे दिख रहे हैं उठे हुए पार्ट सो वो उसका बैक साइड है। सो जो आपकी सेकेंड रिंग थी एंड जहाँ पे आपका एंड हुआ है इसको हम यू इस प्रकार से आपको अरेंज करना है कि एंड आपका इस रिंग के पीछे आए, मतलब लाइक यहाँ पे नहीं होना चाहिए या इस साइड नहीं होना चाहिए, शुड बी लाइक इस डायरेक्शन में होना चाहिए इस प्रकार से। एंड आपको एंड के पैरेलल जो स्टिच आ रही है उसमें हम इसको ज्वाइन कर देंगे। सो आपको अपने निडल को लेना है एंड इसको प्रॉपरली अरेंज करके जो भी इसके पीछे स्टिच आ रही है लाइक दिस, इसमें हमें क्या करना है, इस निडल को लेना है एंड इसे आप ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस और कर देंगे। ऑफ स्टिचेस के जो लोअर एजेस हैं आप उसमें से अपने निडल्स को निकाल लीजिए एंड इसको पुल कर लीजिए। सो आपका ये रिंग आपस में ज्वाइन हो गई। ये जो लूज थ्रेड था आप इसको कट कर लेंगे रहेगा। सो अगेन हम अब सो हमारे वन रिंग बना ली, सेकेंड रिंग बना ली। नाउ इस रिंग में हम अपना थर्ड रिंग बनाएंगे।
थर्ड रिंग आपने ज्वाइन कर ली। तो सेम प्रकार से आपको कंटिन्यू करते जाना है आपकी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिंग्स के हिसाब से। सो सेम वे में लाइक मैंने यहाँ पे 1 2 3, सो ये दिस इज़ लाइक 4, एंड कंटिन्यू इन द सेम मैनर। जितना आपको लेंथ, जितनी आपको लेंथ चाहिए है उस हिसाब से आप इसको ज्वाइन करते जाइए टिल एंड। सो मैं यहाँ पे टोटल 32 रिंग्स बनाऊंगी इन सेम मैनर। सो ये मेरी मैंने 32 रिंग्स बना ली है। अभी हम क्या करेंगे, इस बटन को हम एक एंड में यहाँ पे स्टिच करेंगे। इस बटन को आप इस रिंग के सेंटर में हम रखेंगे लाइक दिस। ओके, सो आप यहाँ से सबसे पहले निडल को यहाँ से निकाल लीजिए एंड इस। इसको हम स्टिच कर लेंगे नंबर ऑफ टाइम्स थ्रेड को क्रॉस करा के। इस थ्रेड को हम स्टिच के नीचे यू सिक्योर कर लेंगे एंड इसे हम तो ये आपका नेकलेस विथ कॉर्ड पैटर्न नेक रेडी है। आई होप यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड क्वेरी प्लीज़ लीव अ कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन एंड यू कैन कनेक्ट थ्रू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।